पूरा एपिसोड देखने के लिए सोनी लिव ऐप डाउनलोड करें। हम यही रुकेंगे काव्या, क्योंकि हम जानते हैं हम चाहे तुम्हें कितना भी समझा ले तुम कभी हमारी बात नहीं समझोगे। हेलो राघव, अभी आदि कैसा है दोस्त? तू बता तू कैसा है? न्यू साल का हेड बन के दोस्त को भूल गया? साले ज्यादा बकवास करेगा ना तो लखनऊ आके मारूंगा, समझा? देख हमारी बात सुन राघव, हमें तेरी हेल्प चाहिए। मैडम एक तो आपकी तबीयत खराब है मैडम, ऊपर से थप्पड़ कांड। मैडम माफ कीजिएगा छोटी मुंह बड़ी बात, लेकिन आपको आने की यहाँ क्या जरूरत थी मैडम? आपका आराम के लिए कितना व्यवस्था हम किया बंगले पे। उस औरत के बच्चे की सारी रिपोर्ट चाहिए हमें हॉस्पिटल से, और डॉक्टर के स्टेटमेंट्स, डेथ सर्टिफिकेट इशू करने वाले कॉर्नर का भी स्टेटमेंट चाहिए। बबुआ सब डिवीजन में जितने भी ब्लॉक्स आते हैं और उनमें जितने भी प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स हैं उन सबकी मेडिसिन इन्वेंटरी का स्टेटस चाहिए हमें। क्लियर है? जी मैडम। और एक बात, यहाँ पे एक दीवान लगवा दीजिए और उस पर गड्ढा डलवा दीजिए, सारा काम यहीं से होगा। और सारी फाइल्स ला के दीजिए। ठीक है मैडम। बबुआ में रहना हमारी कोई जिद नहीं है, लेकिन अगर एक माँ दूसरी माँ का दर्द नहीं समझेगी तो कौन समझेगा? देखो हम बस इतना चाहते हैं कि तुम और तुम्हारे जैसे जितने भी बच्चे हैं ना सबका फ्यूचर एकदम सेफ हो। किसी और माँ को उस औरत की तरह अपने बच्चे के लिए आंसू ना बहाना पड़े। काव्या बच्चा थोड़ी देर आंख बंद करनी है तो? नहीं बाबा, उस थप्पड़ से तो हमारी आंखें खुली हैं, अब हमें प्रशासन की आंखें खोलनी है। जीवन मिश्रा तुम? सिर्फ जीवन नहीं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जीवन मिश्रा। 2 करोड़ का चंदा लिलवाए हैं पार्टी फंड को। पार्टी हाई कमान ने बोल दिया है कि जनरल इलेक्शन का उम्मीदवार जल्दी ही चुना जाएगा। और आपने जो टीचर वाला आइडिया आपके बहु बेटे ने फ्लॉप कर दिया, अब कहां से लाओगे पैसा पार्टी फंड में जमा करने के लिए? यहीं बैठो और पहेलियां पूछो, एमपी तो हम ही बनेंगे। अब तो तुम्हें कोई चमत्कार ही बचा सकता है। प्रार्थना कीजिए या हम भेजें किसी को आपकी मदद के लिए। चमत्कार तो करना ही पड़ेगा जीवन मिश्रा, वरना हमारे जीवन भर की मेहनत पानी में फिर जाएगी। हम ऐसा होने थोड़ी देंगे। मैडम वो आप तक वाले खबर देखिए क्या चला रहे हैं। मैडम एसडीएम काव्या बंसल प्रधान का आज बबुआ तहसील में पहला दिन था। पहले ही दिन उनका जनता के साथ साक्षात्कार बहुत ही शर्मनाक रहा। कहा जाता है कि वहां पे करीबन 30 से 40 लोग हंसिया लाठी कुल्हाड़ी इत्यादि लेकर मौजूद थे। सुनने में ये भी आया है कि नई एसडीएम काव्या बंसल प्रधान के आने से जनता में आक्रोश है और बबुआ तहसील की शांति भंग हुई है। क्या ये इस बात को इंगित करता है कि नई एसडीएम काव्या बंसल को जनता के साथ नहीं होना चाहिए? ये क्या बकवास है? ये न्यूज चैनल वाले ऐसा कैसे कह सकते हैं? बबुआ तहसील के इस छोटे से वाक्य की बात इतनी जल्दी इतने बड़े न्यूज चैनल तक कैसे पहुंच गई? हमें माफ कर देना काव्या, हम जानते हैं हम तुम्हारे साथ बहुत बुरा कर रहे हैं,
लेकिन हमारे पास और कोई चारा नहीं था। सॉरी पापा, अगर ये बात नेशनल न्यूज चैनल पे आई है तो फिर स्टेट चीफ सेक्रेटरी तक भी पहुंच गई होगी। काव्या तू चिंता मत कर, तू अपना काम लगन से करती जा। हाँ, अरे ये न्यूज वालों की तो आदत होती है हर बात को बढ़ा चढ़ा के पेश करना। इनका यकीन करके कोई तुम्हें सजा थोड़ी दे देगा। हाँ? लैंडलाइन पे फोन ऑफिशियल होगा। हेलो, गुड आफ्टरनून सर। यस सर। यस सर। क्या हुआ? सजा मिल गई पापा। सचिवालय ट्रांसफर कर रहे हैं हमें। हमारा मिशन शुरू होने से पहले ही रोक दिया गया। किसी ने ट्रांसफर करवा दिया हमारा यहां से, और अब हम सचिवालय में बस कागजों के ढेर में, फाइलों के ढेर में दबके रह जाएंगे, और हमारा सपना सिस्टम बदलने का मेरे साथ ऐसा कैसे हो सकता है पापा? ये खबर बाहर आई कैसे? हेलो, हमारे फ्लोर पे जो कैबिन खाली है, अंडर सेक्रेटरी काव्या प्रधान को वही कैबिन अलॉट होना चाहिए। उसे अच्छे से तैयार करवा दो, मैडम वही बैठेगी। Am I clear? हेलो काव्या, तुम ठीक हो? क्या हुआ क्या वहां? किसी औरत ने थप्पड़ मारा? लोकल से हमला किया गया? तुम्हें चोट तो नहीं लगी कोई? शुभ, इतनी कोई बड़ी बात नहीं हुई है। मीडिया बस बड़ा चढ़ा के दिखा रही है। ऐसे बवाल तो पहले भी हुए ना, हम मैनेज कर लेते, लेकिन सचिवालय में ट्रांसफर। काव्या काम डाउन, प्लीज काम डाउन, वरना बेबी पे स्ट्रेस पड़ेगा और तबीयत खराब हो जाएगी। देखो शुभ, तुम भी इस पोस्टिंग का मतलब समझते हो। काला पानी भेज रहे हैं हमें। क्यों कर रहे हैं हमारे साथ ऐसा? हम काव्या स्टॉप इट, तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। पर हम हैं ना तुम्हारे साथ, हम दोनों मिलकर पता करते हैं क्या है। तुम बस बताओ क्या हेल्प चाहिए तुम्हें, हम करते हैं। हेल्प करनी है तुम्हें, फिर जल्दी से ये पता लगाओ कि ये खबर बाहर किसने भेजी और कैसे गई। ठीक है, मैं अभी पता लगाता हूँ, लेकिन प्लीज काम डाउन, ठीक है? तुम अपनी तबीयत का ख्याल रखो। हाँ। तुम्हें पता चला हमारे साथ क्या हुआ? इमीडिएट ट्रांसफर, हमें सचिवालय ट्रांसफर कर रहे हैं। काव्या रिलैक्स, सब ठीक हो जाएगा। ओके, अभी सब कैसे ठीक होगा? मीडिया में बहुत तोड़ मोड़ की बातें बनाई जा रही है कि इस पूरे घोटाले के जिम्मेदार हम हैं। काव्या, हमारी रेपुटेशन, हमारा काम भी सब। ऐसा कुछ भी नहीं होगा, हम कह रहे हैं ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तुम बेकार में बात को बढ़ा रही हो, कुछ दिनों में लोग सब भूल जाएंगे। सोच सोच के लोग भूल जाएंगे, ये थी हमारा क्या? तुम सचिवालय में पोस्टिंग का मतलब समझते हो? पनिशमेंट पोस्टिंग आदि शंटिंग, अब हम फील्ड में काम नहीं कर सकते हैं। अब हम सिर्फ फाइलें इधर से उधर घुमाते रहेंगे और कुछ नहीं। तुम्हें लगता है हम कभी ये भूल पाएंगे? काव्या, सब कुछ नेगेटिव तो नहीं हुआ है, पॉजिटिव भी देखो। पूरे प्रेगनेंसी में जो बेबी छोटा होगा तो अपने घर के पास रहोगी, क्या कोई खतरा नहीं होगा? दोनों की देखभाल अच्छे से होगी, ये देखो ना, ये क्या अच्छी बात नहीं है? प्लीज समझाइए इसे। हम वापस जाने की तैयारी शुरू करते हैं, तुम रेडी रहो। ओके, काव्या, कहीं ये सब काम हाथ ही नहीं तो नहीं करवाया है?
पूरा एपिसोड देखने के लिए सोनी लिव ऐप डाउनलोड करें।